दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, अगर आपके भी फोन में टेक्स्ट मैसेज अगर कोई गलती से डिलीट हो गए हैं तो क्या उसको आप रिकवर कर पाएंगे, अगर कर पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे, क्या क्या कंडीशन होंगी। गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कई बार गाइज आप क्या करते हो कि अपने फोन को यहाँ पे रिसेट कर देते हैं और गलती से आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो हैं वो चले जाते हैं, आप उनको चाहते हैं रिकवर करना, तो गाइज ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि गाइज यहाँ पे आपको मैं सारी चीज़ें समझा सकूँ, क्योंकि यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी। लेकिन गाइज मैं आपको यहाँ पे यकीन दिलाता हूँ, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे गाइज तो आपको यहाँ पे कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कई बार गाइज हम मैसेज को डिलीट करने का ट्राई करते हैं, मैसेज को स्लाइड करके डिलीट करते हैं, हमें लगता है कि मैसेज डिलीट हो गया, लेकिन गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैसेज हमारा अर्काइव्ड नाम के फोल्डर में चला जाता है, तो आपको अपने मैसेज ऐप में जाकर के चेक करना है, अगर कहीं भी अर्काइव्ड आपको लिखा दिख रहा है तो अर्काइव्ड में एक बार चेक कर लेना, आपके मैसेज गाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो भी आपने अर्काइव्ड किया होगा। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं, जैसे ही आप स्लाइड करके डिलीट करेंगे तो आप असल में डिलीट नहीं होता बल्कि अर्काइव्ड में चला जाता है। अब गाइज यहाँ पे आप सबके फोन में, ज़्यादातर फोन में जो है गूगल मैसेजेस आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे गूगल का जो मैसेज ऐप है वो यहाँ पे अभी ज़्यादातर फोन में देखने को मिल रहा है। तो अगर गाइज आपने गलती से अपने फोन को रिसेट किया है और आपका फोन जो यहाँ पे रिसेट हो गया, आपके सारे मैसेजेस जो है चले गए हैं, तो अब इस केस में कैसे आप जो सारे मैसेजेस को यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ गूगल मैसेज, अगर अभी तक आपने डाउनलोड करके नहीं रखा है तो इसको कर लीजिए, क्योंकि ये मैसेज ऐप गाइस काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। यहाँ पे गाइस आप जो भी गूगल अकाउंट लॉगिन करके रखेंगे तो आपके जो भी मैसेज आएंगे गाइस वो उसका बैकअप लेता रहेगा। और गाइस अगर गलती से आपका जो यहाँ पे फ़ोन रिसेट हो जाता है और यहाँ पे गाइस अगर आप गूगल मैसेज को रखे हुए हैं, तो बस आपको जस्ट अपना गूगल अकाउंट लॉगिन करना है, जो अकाउंट आपने पहले लॉगिन करके रखा था, और जैसे गाइस अपना गूगल अकाउंट आप लॉगिन करेंगे तो आपके सारे मैसेज यहाँ पे आपको शो कर जाएंगे। जो भी मैसेज डिलीट हो गए होंगे वो भी मैसेज आ जाएंगे, क्योंकि ये मैसेज असल में आपके फ़ोन के स्टोरेज में नहीं है बल्कि गूगल पे इसका जो बैकअप है वो होता रहता है, यानी फ़ोन में भी है लेकिन आपका गूगल पे इसका बैकअप जो है वो होता रहता है। तो जैसे गाइस अपना पुराना गूगल अकाउंट आप लॉगिन करेंगे तो आपके सारे मैसेज यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे ये एक तरीका है जिससे आप अपने जो है पुराने मैसेजेस को रिकवर कर पाएंगे। अब यहाँ पे गाइस आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको कुछ एप्लीकेशन बताते हैं कि भाई इसको आप इंस्टॉल कर लो, इससे आपके मैसेज दिख जाएंगे। जैसे आप मैसेज बैकअप एंड रिस्टोर लिखेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऐप आपको दिख जाएंगे, जैसे ये वाला ऐप है SMS बैकअप एंड रिस्टोर आपको देखने को मिल जाएगा। तो कई सारे लोग यहाँ पे आपको ये रिकमेंड करेंगे, इसको आप डाउनलोड इंस्टॉल कर लो, यहाँ से आप अपने सारे मैसेज को रिस्टोर कर पाओगे। तो क्या ये सच है गाइस? तो इसकी सच्चाई गाइस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो असल में गाइस आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाओगे। ये सब ऐप बेसिकली करते क्या है, जो भी मैसेज गाइस इसको आप डाउनलोड करोगे तो आप इसका, आप मैसेज का सबसे पहले बैकअप बनाओगे, और जब आप मैसेज का बैकअप बना लोगे तब आप उसको जो है रिस्टोर कर पाओगे। ऐसा नहीं कि भाई आप इसको इंस्टॉल किए और डायरेक्टली आप रिस्टोर कर लोगे। ये ऐप क्या करते हैं कि आपको यहाँ पे मैसेज को बैकअप बनाने का फीचर देते हैं, आप अपने मैसेज का बैकअप बना सकते हैं और उसके बाद में आप उसको रिस्टोर कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे इसको डाउनलोड किया आपने, ओपन करेंगे तो यहाँ पे गाइस गेट अप अ बैकअप लिख के आ जाएगा, इस पर क्लिक करना। बैकअप पे क्लिक करके गाइस आप अपने सारे मैसेजेस का यहाँ पे बैकअप ले सकते हैं और बाद में जब भी चाहें गाइस आप उनको जब भी चाहें रिस्टोर कर पाएंगे। तो रिस्टोर करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर गाइस आपने गलती से डिलीट कर दिया तो आपको यहाँ पे बगल में जाना है होम बटन पे, और यहाँ पे आपको नीचे जो है रिस्टोर का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक कर देना है तो आपके सारे मैसेज जो है अगेन से आ जाएंगे। लेकिन गाइस ये आएंगे कैसे और आपके मैसेज का बैकअप बनेगा कैसे? तो यहाँ पे जब भी आप बैकअप पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप जो है ऑल मैसेजेस का बैकअप चाहते हैं या सिलेक्टेड कन्वर्सेशंस कुछ हैं जिनको आप चाहते हैं कि भाई इन्हीं को केवल बैकअप में रखना है, या मीडिया पिक्चर्स वीडियोस को भी इंक्लूड करना चाहते हैं, इमोजीज स्पेशल कैरेक्टर भी रखना चाहते हैं, तो ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको ये लोकेशन पूछेगा कि आप किस पे जो है यहाँ पे बैकअप रखना चाहते हैं, तो गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, वन ड्राइव है और फोन भी है। लेकिन फोन को रिकमेंड ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि फोन में आप रखेंगे तो फोन रिसेट होगा तो वैसे भी आपका मैसेज चला जाएगा, तो फोन में बिल्कुल भी नहीं रखें। यहाँ पे जो भी ऑनलाइन जो है क्लाउड ड्राइव्स हैं इन पे आप रखिए, गूगल ड्राइव पे कर लीजिए, ताकि गाइस यहाँ पे आप जब भी चाहें यहाँ पे बैकअप को अपने रिस्टोर कर पाएंगे। तो गूगल ड्राइव पे आप इसका बैकअप रख सकते हैं। तो ऐसे ही गाइस आपको ये सारे एप्लीकेशन मिलेंगे जिसपे सबसे पहले आपको बैकअप बनाना पड़ेगा, उसके बाद में गाइस आप इससे जो है रिस्टोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे गाइस मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी क्लियर कर दी हैं। कोई सा भी क्वेश्चन है गाइस कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।